सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं गेम के अंदर आप लोग की एक इवेंट मिलता है, जो यहाँ पर से इवेंट स्टार्ट हो चुका है। 22/5 से स्टार्ट हुआ और 4/6 तक यहाँ पर से चलने वाला है, यानी कि ये इवेंट टोटल का टोटल आप लोगों को 15 दिन तक चलने वाला है। और इस इवेंट पर आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक आप लोगों को आइटम मिलता है भाई, जो कि हम लोग को ब्रेक डांसर बंडल में ये पूरा का पूरा सेट यहाँ पर से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एंड बहुत ही यूनिक सेट है भाई, बहुत पहले हमारे गेम के अंदर आया था और ये रेयर है भाई। अब तक तो यहाँ पर से ये रेयर रहा, लेकिन अब जो भाई इसका खेल जो है लास्ट है, अब इसका भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को और बात करने वाले, साथ बहुत सारा भी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें मेरे भाई, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए सर्वर अलग है और इस सर्वर पे ये वाला इवेंट स्टार्ट हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई कि ये कैसे पॉसिबल है कि इस सर्वर पे स्टार्ट हो चुका, हमारे सर्वर पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमारे सर्वर पे ये वाला इवेंट भाई अपडेट्स के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये वाला बंडल हर एक सर्वर पे फ्री में देने की बात है। तो हो सकते हैं पॉसिबल है कि अपडेट्स के बाद 29 को हम लोग अपडेट है तो 30 तारीख से या फिर 1 तारीख से आप लोगों को गेम के अंदर मिशन मिलेगा, जहाँ पर से मिशन कम्प्लीट करने के बाद आप लोगों को टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें टोकन अलग हो सकता है या फिर इवेंट का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। इंडियन सर्वर पर आने के बाद कुछ अलग टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, उस हिसाब से आप लोगों को अपना मिशन कम्प्लीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं, एक दिन में लॉगिन करने से ये मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर 2 गेम प्ले करने से यहाँ पर ये मिलेगा और 3 ओपोनेंट को किल करने से, 5 ओपोनेंट को किल करने से आप लोगों को इतना मिलेगा। टोटल 1 दिन में 15 टोकन मिलेगा भाई, यहाँ पर 15 दिन के आसपास ये इवेंट है। उसके बीच में एक दिन पिक डे पड़ेगा और पिक डे के दिन ये यहाँ पर से बहुत सारा टोकन कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं, एक आइटम को यहाँ पर से क्लेम करने के लिए इनको चाहिए 45 टोकन, दूसरे को लिए 45 टोकन, तीसरे के लिए 30 टोकन और चौथे के लिए 30 टोकन, यानी कि 90 टोकन यहाँ पर से और यहाँ पर से 160 टोकन। टोटल 150 टोकन चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस आइटम को निकालने के लिए। 150 टोकन यहाँ पर से इजीली मिल जाएगा, 75 टोकन के आसपास तो ये यहाँ पर से इवेंट से ही दे रहा है। और यहाँ पर से पिक डे जैसे होगा, पिक डे के हिसाब से इन लोगों को मिल जाएगा कितना भाई, अनलिमिटेड टोकन मिल जाएगा। उसको यहाँ पर से ये सारा का सारा आइटम ले सकता है। एंड गाइस, आप लोग कमेंट में बताने क्या लग रहा है भाई, गरीना वाला हमारे साथ स्कैम करेगा या फिर हमारे इंडियन सर्वर पे भी ये वाला आइटम जरूर है कि देगा बिल्कुल फ्री में। एंड ये वाला बंडल कितने लोगों के पास है कमेंट करके जरूर बताना। एंड कितने सारा लोग चाहता है भाई, काश मेरे पास भी आ जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा। बड़े भाई, आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर से मिल गया होगा, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट, जो कि यहाँ पर से आप लोगों को होने वाला 31 मई को और यहाँ पर से 9:30 बजे से स्टार्ट होगा हम लोग का पैच अपडेट। पैच अपडेट के बाद आप लोगों को गेम के अंदर नया नया भाई 20, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 5 नहीं भाई, आप लोगों को टोटल 20 यहाँ पर से न्यू बंडल मैजिक क्यूब स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगी गाइज। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है यहाँ पर, जो आप लोग इनक्यूबेटर है इसे एक्सचेंज करके आप यहाँ पर से ले सकते हो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट। उसके बाद 31 मई को जो यहाँ पर से हम लोग के इवेंट आने वाला है, अपडेट आने वाला है, अपडेट के बाद आप लोगों के यहाँ पर से 20 न्यू मैजिक क्यूब में बंडल ऐड होगा, जहाँ पर से आप देख पर स्कल फाइटर बंडल, स्कल राइडर बंडल, एंशिएंट ग्लोरी बंडल, एनर्जी टोटेन बंडल, बहुत सारा बंडल है यहाँ पर से 20 का 20 बंडल आप लोग यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर से बहुत सही सही बंडल होगा, बहुत शानदार टाइप का बंडल होगा गाइज। लेकिन गाइज, इसमें आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा वो कौन सा भाई, एंजेलिक पेंट भाई। ओ भाई ने क्या बोल दोस्तों भाई, अरे यार कौन सा बंडल बोलता उसको, जिसको बहुत जिसका एक टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड था, खैर जो भी, यहाँ पर ब्लू आर्कटिक बंडल भाई, ये आप लोगों के यहाँ पर से देखने के लिए नहीं मिलेगा इस इवेंट के दौरान। इतना 20 बंडल ऐड होगा, लेकिन ब्लू आर्कटिक बंडल आप लोग यहाँ पर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात है कि आप लोग देख लेना भाई यहाँ पर से कौन कौन सा बंडल यहाँ पर से ऐड होने वाला है अपडेट्स के बाद, 20 बंडल होगा भाई यहाँ पर से, बहुत ज़्यादा बंडल की संख्या है। एंड इसके अलावा गाइज, आप देख पर यहाँ पर से हम लोगों को पैच अपडेट कर, जो यहाँ पर सारा का सारा इवेंट इक्विपमेंट है सारा का सारा आप लोगों को देखने मिलता है। मैकेनिज्म जो है हम लोग यहाँ पर से देखने मिलता है, क्या क्या आप लोगों को चेंजेस मिलेगी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस आप लोगों को मिलने वाला है गेम के अंदर। एंड साथ ही यहाँ पर आप देख पर सारा का सारा यहाँ पर अलग अलग टाइप से आपको यहाँ पर से एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोग गेम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला है यहाँ पर से आप लोगों को, जो हम लोग ओपन करेक्टर वो भी चेंज होने वाला है यहाँ पर, जो मैप है हम लोग के ये चेंज होने वाला है उसको यहाँ पर से, आप देख पर CS19 ओपन होने वाला है, उसको अदर मैप लोड आउट एडजस्टमेंट ये इसमें चेंजेस होने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सारा का सारा चीज़ यहाँ पर से, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है भाई, यहाँ पर लॉगिन रिवॉर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर से आप देख पा रहे हैं 1 नंबर पर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर से ये वाला आइटम सप्लाई कार्ड, ये आपको कुछ खास नहीं है। लेकिन मेन चीज़ वाली बात यहाँ पर ये है भाई कि यहाँ पर आपको EXP जो 400 मिल जाते हैं भाई, ये बहुत अच्छी बात है, गरीना ने ये बहुत अच्छा काम करा भाई कि 400 EXP आप लोगों को देखने मिला है बिल्कुल फ्री में। एंड गाइस, 40 घंटे के लिए कस्टम रूम कार्ड बिल्कुल फ्री,
भाई टाइम लिमिट यहाँ पर से आप देख पा रहे हो 40 घंटे तक। भाई सोच सकते हो भाई पब्लिक कितना क्राउड होगा यहाँ पर से गेम के अंदर 40 घंटे तक। वो कस्टम गेम प्ले जो करेगा भाई उसको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड आप लोग कमेंट बताना भाई कि कस्टम के दीवाने कौन कौन है। मेरे को तो लगता है भाई कस्टम का यहाँ पर क्रेज जो है मार्केट से खत्म हो गया है। टोटली बताया जाए तो यहाँ पर गेम का क्रेज ही मार्केट से खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे को लगता है कस्टम का जो क्रेज था भाई अब वैसा क्रेज नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट बताना क्या आप लोग अभी भी कस्टम खेलना पसंद करते हो। तो इस वीडियो आप लोग इतना सही दिखाना था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के दिल से थैंक यू, फिर अगली वीडियो में।